जबरदस्त हस्ती को, उस जबरदस्त पर्सनालिटी को जिन्होंने वुमनहुड का नाम हर फील्ड में उजागर किया है, और वो हैं आदरणीय शर्मिला टैगोर जी। जोरदार तालियां शर्मिला जी के लिए। एक और माइक। शर्मिला जी, सोचा तो कुछ और था, लेकिन इस वक्त आपकी खूबसूरती जिसका बयान मैं आपको बगैर देखे कर रही थी, मतलब दूर से नजर नहीं आ रहा था इतना, अब देख के मेरा दिल चाहता है एक अपना शेर आपको सुनाऊं। आपने तो वक्त पे ब्रेक लगा के रखी हुई है। जो मुझे दिख रहा है जो मैं कह रही हूँ सही है ना? बिल्कुल है? तो इसी पे मेरा एक शेर सुन लीजिए कि वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं, वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं, बात तो जब है। My Urdu is not so good. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जिस तरह से मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जिस तरह से द सॉन्ग्स एंड यू नो कश्मीर की कली, अभी हाल में हम पुणे में थे शमी जी, और मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। एंड उस वक्त जब शमी जी के साथ हम शूटिंग करते थे, इट वॉज लाइक आई नेवर न्यू, देयर वर नो रिहर्सल्स, और मुझे पता नहीं था वो इस तरफ से आएंगे या इस तरफ से आएंगे। वो चलते तो नहीं थे, वो कूद के यू नो यूज टू जस्ट जंप एंड बाउंस, एंड वो तारीफ करूँ, इट वॉज सो फैंटास्टिक। वी वर इन कश्मीर, उस जमाने कश्मीर वॉज फैंटास्टिक, और वी वर ऑन अ शिकारा, सो दैट वॉज वेरी गुड। एंड अनुपमा का वो जो गाना आपने मुझे सुनाया, दैट इज my favorite song, abhi bhi wo main har dusra din usko sunti hu, because it is so beautiful, and mujhe ye nahi malum tha kefi sahab ka likha hua hai, mujhe so naturally the bond is there, so I knew that it had to be somebody special, and it's lovely, thank you so much. isse pehle ki hum asli mudde pe baat kare, लड़कियों पे, बेटियों पे और उनकी, शम्मी कपूर जी ज़्यादातर अपने दौर में उन फिल्मों में काम करते थे जिसका टाइटल रोल वो करते थे, चाहे वो जंगली हो, जानवर हो, प्रिंस हो, राजकुमार हो। He introduced a new word in Hindi, Yahoo, हाँ। नहीं, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हमने ये सुना था कि जब कश्मीर की कली उन्हें ऑफर की गई तो उन्होंने शक्ति सामंत को मजाक में एक दफे कहा था कि नहीं भाई, ये तो मेरा टाइटल नहीं है, ये तो शर्मिला जी का टाइटल है, कश्मीर की कली, तुम अगर इस फिल्म का नाम कश्मीर का कद्दू रख दो तो मैं काम करूंगा। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन अब हम सीरियस बात करेंगे। मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, जाहिर है सबसे पहले, उसके बाद हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में लड़कियों के साथ जो आजकल दुर्व्यवहार कहूँगी मैं, अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, ये कितना गलत है, और आपके इस बारे में क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट FLO हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। इन फैक्ट लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग दिस बिकॉज इट्स सो नेसेसरी। इट इज़ we have to treat this at a very urgent and with absolutely wasting no time.